आदाब, पलपल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नजीर मकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और इसे अब बेड़ा उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाने का। जहां 16 दिन तक हिंदू पक्षकार के वकीलों ने अपनी दलीलों को रखा तो 17वें दिन शुरुआत हुई मुस्लिम पक्षकार के दलीलों की। 17वें दिन हंगामा हुआ, उस हंगामे के बीच मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलों को रखा और दुनिया के सामने अपनी बात को सुनाया भी। और 18वें दिन खबर आती है कि राजीव धवन को कुछ लोगों ने धमकी भरे मैसेज दिए हैं कि इस केस की पैरवी ना करें, खासतौर पर मुस्लिम पक्षकार के लोगों की बात करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो वहीं 19वें दिन खबर आ जाती है कि जो इकबाल अंसारी हैं बाबरी मस्जिद की पैरवी करने वाले, उनके ऊपर हमला हो जाता है। 20वें दिन की हेयरिंग में मुस्लिम पक्षकार की तरफ से राजीव धवन से जब सबूत के अभाव पर बात करने की कोशिश की जाती है तो राजीव धवन ये साफ तौर पर कहते हैं कि मैं अपने सबूत 1885 से बाबरी मस्जिद के रखना शुरू करूं या 1528 से, इसे लेकर के सब संद रह जाते हैं। और 20वें दिन पर जो कुछ भी होता है वो मैं आप लोगों के सामने बारीकी से हर खबर को रख चुका हूं। और बात आज आती है 21वें दिन की हियरिंग पर, तो 21वें दिन की हियरिंग आज टाल दी गई। किस वजह से टाली गई इसके बारे में मैं जांच करने की कोशिश कर रहा हूं और जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगी उसको लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ूंगा। पर आज 21वें दिन की हियरिंग जरूर टली, पर इस पर लगातार इस केस में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्सुकता दिखा रहे हैं कोर्ट में दखल अंदाजी को लेकर के। तो कोर्ट में एक अर्जी इन लोगों की तरफ से लगाई गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है और एक बड़ा झटका आरएसएस के लिए ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ओपन कोर्ट हैं लेकिन बाहरी लोगों के लिए नहीं बल्कि वादियों के लिए। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि अयोध्या मामला संवेदनशील मामला है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कैसे हो सकती है। याचिकाकर्ता गोविंदाचार्य के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश है, अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग और तर्क की बात शुरू कर देना चाहिए। ये गंभीर सामाजिक और संवैधानिक महत्व का मामला है। राम जन्मभूमि मामले और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका जस्टिस नरीमन की बेंच ने चीफ जस्टिस के पास सुनवाई के लिए भेजा। 11 सितंबर को सुनवाई करने के लिए तारीख दी। अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी आई। आपको बता दें कि पिछले महीने बीजेपी के पूर्व नेता और आरएसएस विचारक केएन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने मांग की थी कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। गोविंदाचार्य की ओर से कहा गया था कि कम से कम सुनवाई को लिखा जाए और रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने मांग को ठुकरा दी थी। निर्मोही अखाड़े की ओर से सुशील जैन ने बहस किया। सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बाबरी मस्जिद पर लाइव स्ट्रीमिंग की बात आरएसएस के
नेता ने कही और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो उन्होंने इस बात को कोर्ट के आगे रखा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग इस केस की जाए, अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती तो कोर्ट के अंदर जो बातें चल रही हैं उन बातों को रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास में रखा जाए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट से आरएसएस के नेता ने कही, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। फिर आज इस पर बहस हुई, तो साफ तौर पर यह कह दिया गया कि जो सीजीआई रंजन गोगोई हैं वही इस पर अपना आखिरी फैसला लेंगे। और आज भी खाली हाथ आरएसएस को बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद से लौटना पड़ा, क्योंकि ये अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब सबूतों के अभाव पर सुप्रीम कोर्ट में बात करने की बात आती है तो 16 दिन तक हिंदू पक्षकार की तरफ से पुराण, संस्कृत में श्लोक और तमाम तरह की बातें, तस्वीरें साझा की जाती हैं। जब रंजन गोगोई सवाल पूछते हैं कि क्या जिस जगह बाबरी मस्जिद है उसी जगह पर राम जी का जन्म हुआ था, इस बात को लेकर के हिंदू पक्षकार की तरफ से कोई बात नहीं की जाती। वो ये कहते हैं कि साफ तौर पर नहीं कह सकते, पर हाँ अयोध्या में हुए थे। और जब दोबारा सीजीआई रंजन गोगोई ये कहते हैं कि आपके पास सबूत हैं तो सबूत हमें दिखाइए, वो कागजात दिखाइए कि जहां बाबरी मस्जिद है वो आपकी जमीन है और वही मंदिर था, तो दलील हिंदू पक्षकार की तरफ से दी जाती है कि 1882 में अयोध्या में डकैती हुई थी तो वो डकैत कागज ले गए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसको लेकर के 16 दिन तक वो अपनी बातें जजेस के सामने रखते हैं और जजेस उन बातों को सुन करके ये कहते हैं कि ठीक है, अब आपने आपकी दलील पूरी हो जाती है, अब कल मुस्लिम पक्षकार के लोग अपनी दलीलों को रखेंगे। जब वो चौथा दिन दलील रखते हैं और तमाम सबूतों के अभाव पर कोर्ट में बात करते हैं तो इसका रुख थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि सबूत के साथ मुस्लिम पक्ष की पूरी तैयारी है बाबरी मस्जिद को लेकर के, पर राम जन्मभूमि को लेकर के अब एक अलग सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 20 दिन में जो भी सुनवाई हुई है उससे ये साफ हो चुका है कि जो दलीलें पेश की गई मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से वो दमदार दलीलें थी जिसे कोर्ट ने सुना और 21वें दिन की दलील को पूरी तरीके से टाल दिया गया और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या आज कोर्ट में बात की गई। पर एक झटका सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया ये कह करके कोई लाइव स्ट्रीमिंग और कोई रिकॉर्डिंग कोर्ट के बाहर नहीं जाएगी। तो अब असली खेल शुरू होता है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का, वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो मोदी जी की गोद में बैठ करके खेल रही है। सॉरी, यहां मोदी जी का नाम लेना गलत हो गया, मोदी मीडिया नहीं, ये असल में गोदी मीडिया है जो अब आरएसएस के इशारे पर टुकड़ों पर पलने वाली है और हिंदुओं को खासतौर पर मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ भड़का करके एक अलग सिनेरियो सेट करने की कोशिश कर रही है। दलीलें क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या के राम का कोर्ट में हुआ अपमान, इस तरीके के स्लोगन दंगल में रोहित सरदाना चलाते हुए नजर आते हैं, तो वही अंजना ओम कश्यप चला रही हैं अल्लाह वर्सेस राम, बाबरी मस्जिद पर कौन, राम जन्मभूमि पर कौन जीतेगा जंग, एक नफरत पूरी तरीके से परोसने की कोशिश मीडिया द्वारा शुरू हो गई है। तो इन लोगों की बात से बचिए और जो हकीकत है, जो भी बातें चल रही हैं, उसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि सबूत पेश पूरे हिंदू पक्षकार के लोग नहीं कर पाए
और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्षकार पूरी तरह से तैयार हैं अपने सबूत और दलीलों को लेकर के। तो अब लोगों को भड़काने की कोशिश मीडिया द्वारा की जा रही है, क्योंकि खाली हाथ इस केस में अभी तक नजर आए हैं हिंदू पक्षकार के लोग, और ये तो मीडिया घराने के लोग हैं जो खुद काफी अरसे से कहते हुए सुनाई देते हैं कि राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि। बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं, सिर्फ राम का नाम जप करके एक सिनेरियो सेट करके मुस्लिमों के खिलाफ भड़का करके लोगों को बरगलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आप लोग इन सब से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और जो पॉइंट ऑफ टू पॉइंट बात की जा रही है सिर्फ उन लोगों की दलीलों पर ध्यान दीजिए। तो मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।